भारी बमबारी की है। हवाई हमले में सूमे में भारी तबाही देखने को मिली। हमले के बाद इमारतों में लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। सूमे में एक इमारत पर बम धमाका भी हुआ है और दो बच्चों समेत 9 लोगों की मौत की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सूमे में लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है रूस, और ऐसे में वहां पर इमारतों को तबाह किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां किस तरीके से चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये सूमे का शहर है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, जिनको इवैक्यूएट करने के लिए वहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि लगातार बमबारी की जा रही है, गोले बारूद रूस की ओर से दागे जा रहे हैं, ऐसे में इवैक्यूएशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रिहायशी इमारतों को वहां पर तबाह कर दिया गया है और मलबे के नीचे से कोशिश की जा रही है कि अगर कोई दबा कुचला रह गया है तो उसकी जान बचाई जा सके, और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा निकल कर यहां सामने आया है कि वे दो रूसी विमान मार गिराने का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रूस के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है यूक्रेन का, एक बड़ा दावा इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कई तरीके के दावे इससे पहले उसने किए, कई सैनिक उसकी ओर से मार दिए गए हैं, कई ऐसे टैंक्स है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो रूस की उसने उड़ा दी है। ये दावे लगातार यूक्रेन की ओर से सामने आ रहे हैं और ऐसे में यही खींच मची हुई है रूस को कि आखिर 13वां दिन हो चला है लेकिन फिर भी यूक्रेन की सेना कैसे डटी हुई है और क्यों नहीं वो मानने को तैयार है, क्यों नहीं वो झुकने को तैयार है। और इसी वजह से लगातार कई अटैक्स रूस हर दिन हर वक्त हर पल लगातार यूक्रेन पर करता आ रहा है। और कीव यूक्रेन की आप तस्वीर देख लीजिए, उसको भी घेरने की पूरी कोशिश है। ये रूस की ओर से कहा गया है कि कीव को बुरी तरीके से उसने घेर लिया है, और ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में। भीषण तबाही वहां पर देखने को मिल रही है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, जमीन हो या फिर आसमान सब कुछ काला पड़ चुका है क्योंकि इतना ज्यादा विस्फोट वहां पर रूस की ओर से कर दिया गया है कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। कीव की घेरेबंदी की जा चुकी है, जतोमर में किस तरीके से ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया वो भी तस्वीर आपके सामने है। तो लगातार यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, और साथ साथ यूक्रेन की राजधानी कीव रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखने को नजर आ रही है और भारी तादाद में लोग कीव छोड़ना चाहते हैं, लोग किसी भी तरह ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, कीव से बाहर निकलना चाहते हैं, कीव में भी कभी भी रूस की सेना घुस सकती है। रूसी सैनिकों ने पूरे कीव को चारों तरफ से घेर लिया है और इसीलिए ये तस्वीर भी आप रेलवे स्टेशन के बाहर देख रहे हैं क्योंकि लगातार लोग वहां पर बाहर नजर आ रहे हैं, किसी भी तरीके से कीव छोड़कर वो बाहर निकलना चाहते हैं। और यूक्रेन के खार्किव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोग किसी भी तरह यूक्रेन से निकलना चाहते हैं। भारी बमबारी में खार्किव को काफी नुकसान पहुंचा है और खार्किव की घेरेबंदी भी इससे पहले रूस की तरफ से की गई थी। तो भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों के बाहर, फिर चाहे वो कीव हो या फिर खार्किव हो, लोग कुछ भी करके खुद को महफूज रखना चाहते हैं, इसलिए वो बाहर निकलना चाहते हैं यूक्रेन से क्योंकि अब ये एकमात्र समाधान उनके पास बच गया है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन ने और ज़ेलेंस्की ने कहा भी था कि जो नागरिक हैं, जो युवा हैं, वो उनका साथ दें, वो सेना का साथ दें। तो ऐसे में कई सैनिक, कई जो युवा हैं, वो रुक भी गए हैं ताकि उनको ट्रेनिंग भी दी जा सके यूक्रेनी सेना की ओर से और वो सहायता भी कर सके। और 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से लगातार भारी भीड़ अब यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए, बॉर्डरों की ओर बढ़ने के लिए डट गई है। रेलवे स्टेशनों पर ये भारी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि एयरबेस वगैरह सब बंद है, इसलिए एकमात्र यही रास्ता बचता है यूक्रेन से बाहर निकलने का। खार्किव हो, कीव हो, हर जगह भीषण तबाही, लगातार बमबारी और फायरिंग की जा रही है रूस की ओर से। तो रूस के कई शहरों में आप देखिए किस तरीके से रूस के बमबर्शक विमान जो है लगातार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बड़े पैमाने पर सैनिकों को ढेर किया जा रहा है। ये बड़े दावे अब किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से, पहले 6,000 सैनिकों को मार गिराने का दावा, फिर 9,000 और अब 12,000 सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये बड़ा दावा, इसके साथ ही रूस के 303 टैंक ऐसे है जो कि पूरी तरीके से हमने तबाह कर दिए हैं। 1,036